नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ही चैनल टेक बैलेंस पर। दोस्तों आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि वॉशिंग मशीन टाइमर स्विच को कैसे रिप्लेस करते हैं। इस पार्ट का नाम है वॉशिंग मशीन टाइमर स्विच, ये पार्ट को कैसे रिप्लेस करना है, आइए मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। मेरे घर में एक वॉशिंग मशीन है, उसका मॉडल नंबर है वीडियोकॉन 6800, ये इसका मॉडल नंबर है। इस वॉशिंग मशीन में दोस्तों क्या प्रॉब्लम हो गई थी, उसका जो वॉशिंग टाइमर का जो बटन होता है वो वर्क नहीं कर रहा था, मेरी मशीन नहीं चल रही थी। तो मैंने एक दिन खोला तो मुझे पता चला कि उसके अंदर ये वाला पार्ट ख़राब हो गया है। तो दोस्तों मैं मार्केट गया और ये पार्ट ख़रीद के लेकर आया और इसे रिप्लेस कर दिया। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे रिप्लेस करना है। यदि आपके पास भी सेम मॉडल की वॉशिंग मशीन है या फिर कोई और मॉडल की वॉशिंग मशीन है तो उसे आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, ये दोस्तों वीडियो में बने रहिए और अंत तक पूरा देखिए। दोस्तों हमने वॉशिंग मशीन भी यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। इसका मॉडल नंबर देख सकते हो, वीडियोकॉन 6800 इसका मॉडल नंबर है। इसकी कैपेसिटी जो है वॉशिंग मशीन की 6.8 केजी की कैपेसिटी है। दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो हमारा इस तरफ का जो वॉशिंग टाइमर है, जो ये वाला पार्ट जो घूमता है वो इस बटन के जरिए घूमता है। तो दोस्तों ये बटन घुमाने पर वर्क नहीं कर रही है, इस बटन के अंदर जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया वो पार्ट ख़राब हो चुका है। तो हम इसे ही रिप्लेस करने वाले हैं, आइए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, मैं आपको इसे रिप्लेस करके दिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों स्क्रू ड्राइवर से इसका नट खोल लेते हैं। इसको यहाँ से आपको उठाना होगा, ये देखिए दोस्तों, आपको इसका पहले ये बेल्ट उतार लेना है, ये हमारा पानी निकालने वाला जो है, इस रस्सी को खोल देना है। देखिए आप तो फिर हम इसे और ऊपर ले सकते हैं, ये अटक रही थी बीच में। देखिए दोस्तों हमारा ये वाला हिस्सा ख़राब हो चुका था, तो इसे आपको खोलना है। यहाँ पे एक नट है, आइए दोस्तों इसे मैं खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों इसका ये प्लेट निकल गया है, ठीक है। दोस्तों ये पहले से हमें ये वाला पिन निकाल लेना है, तो इसको बस आपको ऊपर उठाना है, ये निकल जाएगा इस तरीके से। अब भाई हम ये वाला हिस्सा खोल लेते हैं, यहाँ पे एक नट है इसे खोल लेना है। दोस्तों हमें ये आगे का ढक्कन निकाल लेना है, उससे पहले इसे निकाल लेना है, इस वाले हिस्से को यहाँ से ऐसे निकालना है आपको, काफ़ी टाइट है ये।
इस तरीके से निकाल लेना। ये रहा दोस्तों, ये इसके अंदर ऐसा लगा होता है, ऐसे ऐसे लगा होता है ये, इस तरीके से इसे निकाल लेना। ये भी इसे अलग कर लेना। यहाँ पे एक नट था उसे हमने खोल लिया है, और अब ये यहाँ से इसे निकाल लेना है। दूसरे पार्ट हमारा अलग हो गया है, यहाँ पे इसके चार वायर भी आ गए। दोस्तों ये हमारा पार्ट ख़राब हो चुका था और ये हमने मार्केट से नया लेकर आया है, तो हमें क्या करना है इसमें देखेंगे दोस्तों। तो आपको चार वायर दिखेंगे, ये देखिए ये चार वायर हैं, रेड ब्लू ऑरेंज और चॉकलेटी। दोस्तों सेम क्या करना है, इसको आपको यहाँ से वायर को ब्रेक करना है, काटना है। और ये वाली जो वायर है इसमें भी देखिए दोस्तों, जो सेम कलर कोड है इसमें भी सेम वही वायर है, आप देख सकते होंगे इसमें और इसमें दोनों में कलर कोड सेम है, रेड ब्लू इसमें भी है, इसमें भी रेड ब्लू है, इसमें ऑरेंज चॉकलेटी, इसमें भी ऑरेंज चॉकलेटी है। दोस्तों क्या करना है, इन चार वायर को काटना है और इसकी वायर को काटना है, और उसकी जगह पर आपको ये वाली वायर को इधर अटैच कर देना है। दोस्तों क्या, दोस्तों इसे मैंने जोड़ लिया है, आइए अब इसे लगा लेते हैं। इसमें आपको पहले इस तरफ वाला हिस्सा लगाना है, ये वाला हिस्सा इसके अंदर जाएगा। और ये इधर यहाँ पे हमें एक स्क्रू लगाना है, जो हमारा स्क्रू था ये वाला। दोस्तों आसान है बहुत। दोस्तों यदि आपके पास सेम मॉडल नंबर है या फिर कोई और मॉडल नंबर की वॉशिंग मशीन है तो आप इसे अपने घर में ही रिपेयर कर सकते हो। पार्ट को एक बार खोल के देख लीजिए और उसको निकाल के अलग कर लीजिए और दुकान पे लेके जाइए, उनको कहिए मुझे ये सैंपल है, ये सैंपल का पार्ट चाहिए। उन्हें आपको बस एक मॉडल नंबर बताना होता है और एक सैंपल दिखाना होता है, उसको देख के वो आपको पार्ट दे देते हैं। और उसे घर पर आ गए, यदि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप अपने घर में ही उसका पार्ट रिप्लेस कर सकते हो। ये पिन भी लगा लेते हैं। इसको जब हम यहाँ से बटन घुमाएंगे तो देखिए दोस्तों ऐसा स्विच करता है इस तरीके से, तो जाके हमारा ये मोड चेंज हो जाता है। और ऐसा करेंगे तो हमारा ये मोड चेंज होता है, तो ये दोस्तों मोड चेंज करने के लिए होता है। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा दोस्तों हमारी वॉशिंग मशीन का जो टब में पानी होता है वो पानी निकालने के लिए होता है। और जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं दोस्तों, ये बज़र है। वॉशिंग मशीन में जैसे ही कपड़ा धोके हो जाता है तो जो आवाज़ आती है वो आवाज़ इसके कारण आती है, बज़र है दोस्तों ये हमारा। और दोस्तों ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये हमारा स्पिन टाइमर है, जो कपड़े सूखते हैं उसको सुखाने के लिए ये वाला टाइमर है। आइए दोस्तों इसे पैक कर लेते हैं, यहाँ पर एक नट लगा लेना है। एक नट दोस्तों यहाँ पे था। मशीन का अगर यदि बेल्ट ख़राब हो गया और यदि आपको बेल्ट रिप्लेस करना है तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो कि इसका बेल्ट कैसे रिप्लेस करना है, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके दोस्तों वीडियो देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने तीन स्क्रू लगा दिए हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर टेप मार दिया है। ये देखिए दोस्तों मैंने ज्वाइंट करके यहाँ पर मैंने टेप मार लिया है, ब्लू कलर को ब्लू कलर पर डाल दिया है, ऑरेंज वाले को ऑरेंज पर डाल दिया है दोस्तों मैंने, और रेड को रेड पे ज्वाइन किया है मैंने दोस्तों। इस तरीके से मैंने ये वायर ज्वाइन कर लिया है दोस्तों। चॉकलेटी वाला जो है हमारा वायर इधर आ रहा है, बजर पे आता है हमारा, तो उसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है चॉकलेटी वाले को, यहाँ पे तो नहीं ज्वाइन कर लिया चॉकलेटी वाले को। और बाकी तीन वायर इधर है, तो बाकी तीन वायर को मैंने इधर ज्वाइन कर लिया दोस्तों, देख सकते हैं आप। आइए हम इसे पैक कर लेते हैं। इससे पहले आपको दोस्तों ये जो हमारा रस्सी है इस रस्सी को ज्वाइन करना होगा, तो ये रस्सी को हम यहाँ से नीचे डाल देते हैं। दोस्तों इधर कैप लगा लेते हैं, ये हमारा कैप होता है, इसको यहाँ पे इस पर रखना है इस तरीके से, और उसको पीछे हाथ लगाना है इधर पीछे बाजू इस तरफ में, इसके नीचे पीछे हाथ लगाना है और इसे ऊपर से थोड़ा प्रेस करना है। ये लग गया हमारा, ठीक है। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये
इस टब में पानी भरा होता है, इस पानी को निकालने के लिए ये वाला हिस्सा काम करता है। इसमें आगे एक कॉक लगा होता है, इसको जब भी हम खींचते हैं तो ये कॉक खुल जाता है इस तरीके से। देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ तो ये कॉक खुल जाता है और पानी निकल जाता है दोस्तों। तो यही काम हमारा ये रस्सी से होता है, ऊपर जो हमारा बटन है वो बटन से होता है। इसे मैं लगा लेता हूँ। ये लग गया दोस्तों। क्या होता है जब भी हम ऊपर बटन से काम करते हैं ना, तो इस तरीके से देखिए मैं ऊपर से बटन घुमा रहा हूँ, ये खुलेगा, ये इस तरीके से खुल जाता है दोस्तों। ये खींचता है तो यहाँ पे इसका मुंह खुल जाता है तो पानी निकल जाता है ऐसे। दोस्तों इसे मैंने फिट कर लिया, आइए इसका नट लगा लेते हैं। दोस्तों मैंने ये रिप्लेस कर लिया है, आइए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं ये वर्क कर रहा है क्या। इधर दिखा, मैं यहाँ पे इसको ऐसे घुमाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा घूमना चालू हो गया। पहले ऐसे घूमेगा ठीक है, और अब ऐसा घूमेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है जेंटल और स्ट्रांग वाला ऑप्शन है इसको यहाँ। दोस्तों यदि आपके पास सेमी ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन है और उस वॉशिंग मशीन के अंदर यदि वॉशिंग टाइमर स्विच ख़राब हो जाता है तो कैसे रिप्लेस करें, दोस्तों कैसे रिप्लेस करना है ये मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों यदि आपको कुछ लगता है कि कुछ डाउट है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर दोस्तों यह वीडियो यदि आपको वैल्यूबल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।